रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माई ऑल ड्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको फिर से एक बार खतीजा इन फॉर्म में। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमें देर हो गई है, शाम का टाइम हो गया है, तकरीबन यहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया है, 6:30 बजने वाले हैं। शाम के लिए मौसम अच्छा था, तो आज हम मैं और भाभी जो है मिलकर आलू के चिप्स बना रहे हैं, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही इजी बनते हैं और बहुत ही मज़े के भी बनते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि जी इतनी जल्दी और इंस्टेंटली बनने वाली रेसिपी है। तो जी, सबसे पहले आलू हमने लिए हैं, इनको ये देखें हमने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। तो जी, आज हम आलू के चिप्स बना रहे हैं, बताते हैं आपको कैसे बनाएंगे हम आलू के चिप्स। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑल यूट्यूब फैमिली भी वेलकम टू माय चैनल खतीजा इन्फो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की चिप्स। मज़े की बनती है? हाँ, मज़े की बनती है, बहुत इजी भी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो जी, शाम का टाइम हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या बनाएं। तो जी, ये आइडिया भाभी के जहन में आया, तो हमने जल्दी से फिर जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने आलू जो है काट दिए हैं, अब मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो जो है मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया है, भाभी ने उसकी कटिंग कर दी है। तो अब इसके बाद जो है सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने 2 से 3 लिए हैं तकरीबन, बेसन जो है 1 कटोरी है। तो जी, अब हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस जो हैं वो भी ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और इसके बाद जी ये है मेरे पास साबुत जीरा। और जी अब हम इसमें डाल देंगे नमक। सबकी फेवरेट होती है, लगता है आज भाभी के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इनको चीज़ जो है ज़्यादा पसंद है। तो जी, खुश्क स्पाइसी भी हमने इसमें डाल दिए हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ कब तैयार होगी। हाँ, वेट कर रही हूँ कब तैयार होगी और कब जल्दी जल्दी ये खाएंगी। सबसे पहले आप खाएंगी? तो जी, हमने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं। ऐसे बना खुश्क धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड कर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 2 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है, ताकि ये जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं ये बिल्कुल ड्राई ड्राई ना हो, अच्छे से ये मिक्स हो जाएं। तो मैंने ना इनको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
जी माशाल्लाह से हमारे जो आलू हैं बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। उनमें हमने सब चीज़ें, कुछ स्पाइसेस जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी थी वो आपको सब दिखाई हैं। इसमें हमने सब कुछ अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है। मेरे पास यहाँ पे अजवाइन नहीं थी तो वो ज़रूर आपने डालनी है, उससे बहुत अच्छा सा जायका आता है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा जायका आता है। तो खतीजा मैडम जो है यहाँ पर बना रही है चिप्स, आज मैं देखती हूँ कितनी टेस्टी बनाती हैं। आप निकल के बतानी है ठीक है, इसलिए सिर्फ चखना। वाह फायदा फिर ज्यादा खुश ना इतनी गर्मी में मेरे बैठने का चूल्हे के ऊपर। तो जी सबसे पहले मैं इसमें डालती हूं बिस्मिल्लाह, एक ही डालनी है ना? हां थोड़ी गैप गैप पे डालो ना, नहीं अभी ऑयल गर्म नहीं। हां थोड़ा होने दो। तो जी एक से दो बन गई हैं, अभी इतना घी जो ज्यादा गर्म नहीं होता है ना, तो घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब दोबारा से हम फ्राई कर रहे हैं हमारी ये चिप्स। चिपक जाएगी। तो जी ये देखिए घी जैसे ही यानी कि आपका तेज़ गर्म होगा ना, जैसे ही आप इसको डालेंगे तो ये फ़ौरन से फ्राई हो जाएंगी, बहुत इंस्टेंटली बनते हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये एक दो बनी भी हैं, मैं चेक करूँ। क्या ही बात है, मियाँ मीठू क्या कहते हैं अपने मुँह मियाँ मीठू बनी हुई हूँ। तो मैं झूठ नहीं कह रही, आप चेक करेंगे फिर आपको पता चलेगा। क्या ये बात है यार, बड़ी खराब बात है जी। नहीं आपको पता है मैं चीज़ें जो भी बनाती हूँ अच्छी बनाती हूँ, बेशक वो सिंपल भी हो या जैसी भी हो। मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है, तुम जो भी बनाती हो चाहे वो जैसी भी चीज़ हो बहुत अच्छी बनती है। तो जी थैंक यू जैसे भी बहुत शुक्रिया, बहुत टेस्टी बनती है। नहीं मैंने कहा जो भी चीज़ हो चाहे वो सिंपल हो, सब्जी हो, गोश्त हो या कुछ भी हो, तो बहुत टेस्टी बनता है मेरे हाथ। चोर की दाढ़ी में ये क्यों, ये कौन सी मिसाल है? ये मिसाल है। हम भी नहीं है और साथ साथ जो है हम खा भी नहीं है, बहुत ही मजे की बनी है। बिल्कुल ये चीज़ें जो है वो सबकी फेवरेट होती हैं, इसलिए फ्राई करके निकाल। देखिए इसका जो कलर है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसका आया है। अब जो ये लास्ट हमारे पास बचा है ये भी कोटिंग जो है इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें लाइट मार देंगे। देखिए मैंने सारा इसमें डाल दिया है जो जितना भी था। तो चिप्स जो है हमारी फ्राई हो रही है, कुछ हमने निकाल ली है तो मैं हाथ वॉश कर देती हूँ। तो जी चिप्स जो है हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े की बनी हुई है। अब तो मान गई हैं। मान गई हूँ क्योंकि मैंने जो है यानी कि इसे पहले टेस्ट कर लिया है, माशाल्लाह बहुत ही इसका टेस्ट जो है मज़े का है, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो आपने ये जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई करनी है।
जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई जो चिप्स बनी पड़ी है बहुत ही मज़े की बनी पड़ी है। तो जी फाइनली हमारे आलू की जो चिप्स है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देखें ये बहुत ही मज़े की बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है। इसका जो यानी कि इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का है। तो ये तो मैं भाभी को या आपके लिए सारी प्लेट लूँगी तुम पहले नहीं नहीं पहले आप ही थोड़ी सी चेक तो करें। तो जी भाभी कहती हैं कि बहुत अच्छी बनी है। आज तो ये वाकई में मुझे मान गई हैं कि मैंने जो चिप्स है आलू की चिप्स बहुत ही मज़े की बनाई है। तो आज ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी आपने हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मायरा खान व्लॉग्स को भी आपको भी जी मुझे भी ज़रूर ये भूल जाती है आज मैं याद दिला रही हूँ। तो जी मायरा खान व्लॉग्स को भी आप सब ने ज़रूर सपोर्ट करना है, ज़रूर सपोर्ट करना है। आप इनके चैनल पर जाना है, ज़रूर वहाँ पे सब्सक्राइब करना है इनको भी। तो जी जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।